नमस्कार, मैं हूं प्रवीण साहनी और आप देख रहे हैं राजनीति। गुजरात की गुत्थी आखिरकार जेटली एंड टीम ने सुलझा ली, लेकिन हिमाचल का हल रक्षा मंत्री भी नहीं निकाल पाई। गुजरात में विजय रूपाणी और नितिन पटेल के नेतृत्व को बरकरार रखा गया, लेकिन हिमाचल में धूमल और जयराम ठाकुर के समर्थकों में संग्राम छिड़ गया और केंद्रीय टीम को बैरंग लौटना पड़ा। आखिर पहाड़ों के सियासी भूचाल से कैसे बचेगी बीजेपी? चुनाव परिणाम के चार दिन बाद बीजेपी ने गुजरात की गणित बैठा ली। आज विधानसभा दल की बैठक में सर्वसम्मति के साथ श्री विजय भाई रूपाणी को नेता चुना गया और श्री नितिन भाई पटेल को उपनेता चुना गया। लेकिन हिमाचल में सियासी गर्मी बढ़ने के बाद भी पार्टी के अंदर खाने जमी पर पिघल न पा रही है और छोटे से राज्य में भी बीजेपी थड़ों में बट गई और हिमाचल प्रदेश का हंगामा खुलकर सामने आ गया। जन भावनाओं की आवाज है, जिस व्यक्तित्व के नाम पर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और सुजानपुर की जनता से धोखा मिला है, लेकिन जन भावनाएं नहीं बैठ सकती है। जन भावनाएं चलेगी, जन भावनाएं आगे होगी। ठाकुर जयराम जो है, हम उपेक्षा करते हैं, वो भी जो है ना हमारे टॉप लीडर हैं और उन्होंने पांचवी बार जो है विधानसभा में प्रवेश किया हुआ है, तो जीते हुए कैंडिडेट है, भारी बहुमत से जीते हुए हैं। अगर उनको जो है प्रतिनिधित्व दिया जाए सीएम पद के लिए, तो खूबी जो है ना वो बड़े अच्छी तरह से निभाएंगे। हिमाचल प्रदेश में अगले सीएम का नाम तय करने के लिए शिमला में बीजेपी पर्यवेक्षकों की आरएसएस नेताओं के साथ कोर कमेटी मीटिंग हुई, लेकिन बाहर बीजेपी की तरफ से घोषित प्रेम कुमार धूमल के समर्थक और जय कुमार ठाकुर गुट के बीच जमकर नारेबाजी हुई। दोनों के समर्थक उन्हें सीएम बनाने की मांग पर अड़ गए। होटल पीटर हॉफ शिमला के बाहर सुबह से कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा रहा। धूमल और जयराम खेमे ने अपने अपने समर्थकों को रात को ही शिमला बुला लिया था। दोनों ओर के समर्थकों में इस बात की होड़ दिखी कि दूसरे की नारेबाजी को दबाया जाए। संघ कार्यालय में बैठक कर पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमण और नरेंद्र तोमर जैसे ही पीटर हॉफ पहुँचे तो माहौल तनाव से भर गया। समर्थकों ने अपने नेताओं की गैर मौजूदगी में पर्यवेक्षकों का होटल के अंदर प्रवेश करना दुभर कर दिया। विधायकों ने अलग से अपना कैंप बनाया था। बीच बीच में होटल से बाहर निकलकर विधायक कार्यकर्ताओं में जोश भी बढ़ते दिखे। हंगामे पर पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता शांता कुमार नाराज हो गए और बोले, अगर मैं अध्यक्ष होता तो मैं ऐसे कार्यकर्ताओं को निलंबित कर देता। कि किसी व्यक्ति विशेष के हक में नारे लगाना अनुशासनहीनता है। अगर मैं पार्टी का कोई अध्यक्ष होता तो इस समय तक ऐसे नारे लगाने वाले कुछ लोगों को पार्टी से निकाल दिया होता, मुझे अच्छा नहीं लगा। कुल मिलाकर केंद्रीय पर्यवेक्षकों को हिमाचल से बैरंग लौटना पड़ा और सीएम के लिए नाम पर सस्पेंस बरकरार रहा। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को बीजेपी ने अपना सीएम उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन वो चुनाव हार गए। उनके समर्थक अभी भी उन्हें सीएम देखना चाहते हैं। दूसरी तरफ पांचवी बार मंडी जिले के सिराज विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए जयराम ठाकुर का नाम भी सीएम की रेस में है। फिलहाल हिमाचल प्रदेश के सीएम के नाम पर सस्पेंस बरकरार है। समाचार प्लस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।